يخاطبنا خطيب العصر قومي يخاطبنا خطيب العصر قومي أريب اليوم شاه نواز شهمي بفاروقية هو الشيخ المدير أفدنا أيها البطل البصير فأهلا ثم سهلا يا همام عليك ورحمة الله السلام ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام عزیز بھائیوں دوستو بزرگو طالب علم ساتھیوں استاذ المکرم مفکر اسلام شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب مد ظلہ العالی کا حکم اور گفتگو کے لیے میری حاضری اس علم و عمل کے عظیم مرکز میں میرے لیے سعادت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ استاذ المکرم کا سایہ اہل حق کے سروں پر تا دیر سلامت با کرامت رکھے. یہ اجتماع نقشبندی اجتماع کے نام سے موسوم ہے. اس سے ایک بات واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت استاذ المکرم دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت اور ذات گرامی کو ہمہ گیر بنایا ہے اور آپ کی خدمات ہمہ جہت ہے. اشاعت علم کے ساتھ ساتھ انتقال عمل کی یہ جد و جہد انتہائی اہم ہے، جس کے لیے یہ نقشبندی اجتماع انعقاد پذیر ہے. میں مختصر وقت میں چند معروضات اجتماع کی مناسبت سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. مشکات شریف سے میں نے ایک حدیث مبارکہ کو پڑھا، جس میں اصلاح معاشرہ کا اہم نسخہ بتایا گیا اور سلسلہ نقشبندیہ کا مقصود اصلاح احوال ہے. علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اور کرانا ہے. سوسائٹی، سماج، ماحول اور معاشرہ کی اصلاح ہے. اس جد و جہد میں بڑے لوگ شریک ہیں اور ہر کسی کی خواہش اور تمنا بھی ہے کہ معاشرہ سنور جائے، اس کی اصلاح ہو جائے. سوال یہ ہے، ہوگی کیسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سا نسخہ بتایا،
जिसको मैं यूँ ज़िक्र करना चाहूँगा, मुआशरा अफराद के मजमुआ को कहते हैं। अहाद मुजतमे हो तो मुआशरा वजूद में आता है, मुआशरा तश्कील पाता है। मुआशरा की इसलाह के लिए अफराद की इसलाह ज़रूरी है, और अफराद की इसलाह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्द के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, उस फर्द की इसलाह और बिगाड़ का दारोमदार उसी टुकड़े की इसलाह और बिगाड़ पर है, और उसे दिल कहते हैं। आपने फरमाया, अला वही अल कल्ब, फरमाया इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, इंसानी जिस्म और बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है। हैसियत उसकी ये है, इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लू, जब वो संवर जाता है तो पूरा इंसान संवर जाता है, उसके जमी आज़ा दुरुस्त रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू, और जब वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसके बिगड़ने की वजह से सर ता पा पूरा इंसान बिगड़ जाता है। फिर आँख देखने में ख़ता करती है, ज़ुबान बोलने में ख़ता करती है, हाथ और पाँव अपनी हरकत और आमाल में ख़ता करने लगते हैं। अलगर्ज़ इंसान के बदन में जिस्म की हैसियत ऐसी है कि अगर ये इंसान के बदन में दिल की हैसियत ऐसी है कि अगर ये बन जाए तो पूरा इंसान बन जाता है, ये बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। सवाल पैदा होता है, आज़ा और भी हैं, इसकी ये हैसियत क्यों है? वजह इसकी ये है, इंसान एक रियासत की तरह है, एक सल्तनत की तरह है। रियासत दो चीज़ों का मजमुआ होती है, नंबर एक हाकिम, नंबर दो रियाया और अवाम। हाकिम का काम हुक्म देना होता है, ऑर्डर जारी करना, रियाया और अवाम का काम उस पर अमल करना होता है। अब अगर हाकिम दुरुस्त होगा, सही होगा, तो वो ऑर्डर सही जारी करेगा, और सही हुक्म पर जब रियाया और अवाम अमल करेगी तो इससे इसलाह का इजहार होगा। और अगर हाकिम ही बिगड़ा हुआ हो तो उसके ऑर्डर भी बिगड़े हुए होंगे, तो जब हुक्म बिगड़े हुए आएंगे, रियाया और अवाम उन पर अमल करेगी, तो इसलाह कभी जाहिर नहीं होगी, फसाद और बिगाड़ फैलेगा और मुआशरा ताफुन का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी एक रियासत की तरह है, इस रियासत का हाकिम दिल है, बाकी आज़ा इसकी रियाया और अवाम है। दिल हाकिम क्यों है? इसलिए कि यह तखय्युलात की जगह है, यहाँ इरादे पैदा होते हैं, यहाँ से हुक्म जारी होता है, इसके बाद आज़ा उस पर अमल करते हैं। दिल में ख्याल आता है कि फलाने के साथ ये भलाई की जाए, तब हाथ और पांव उसको अमली शक्ल देते हैं। तो अगर ये दिल संवर जाए तो इरादे दुरुस्त होंगे, उन पर जब अमल होगा तो मुआशरा इसलाह से गोया के मुनव्वर होगा, और अगर ये बिगड़ गया तो फिर इरादे और ख्यालात अच्छे नहीं होंगे। ये आज़ाद तो ग़ुलाम और रियाया हैं, ये उसी इरादे और ख्याल पर अमल करेंगे तो माहौल सारे का सारा बिगड़ जाएगा। अलगर्स फर्द की इसलाह का दारोमदार इंसान के दिल पर है। सवाल ये है, दिल की इसलाह कैसे हो? इसके लिए तसव्वुफ और शरीयत के इल्म के माहिरीन ने एक नुस्खा लिखा है कि दिल की इसलाह दो चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, नंबर एक जिक्रुल्लाह की कसरत के साथ, नंबर दो अहलुल्लाह की सोहबत के साथ। जिक्रुल्लाह की कसरत, अहलुल्लाह की सोहबत, इससे इंसान के दिल की इसलाह होती है, और जब दिल की इसलाह हो जाए तो पूरा बदन सही रास्ते पे चल पड़ता है। क्योंकि अरबी का एक मकूला भी है, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। मुझे बुखारी की एक रिवायत याद आ गई, गालिबन 7 नंबर रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
असलिम तसलम, जब शाहान आलम के नाम खतूत लिखे, असलिम तसलम, इस्लाम ले आ, महफूज हो जाएगा। युक्तिक अल्लाह अजरा का मर्रतैन, इस्लाम का जाहिरी फायदा ये होगा कि तू महफूज हो जाएगा इस दुनियावी जिंदगी में हर किस्म के नुकसान से जो कुफर की वजह से मुसलमानों की तरफ से तुझे पहुंच सकता है। उखरवी फायदा क्या होगा? युक्तिक अल्लाह अजरा का मर्रतैन, अल्लाह तुझे दोहरा अजर अता फरमाएंगे। इसकी एक ताबीर हदीस के शारहीन ने यह की है, एक तेरे कबूल इस्लाम का अजर, दूसरा तेरी रियाया और अवाम के कबूल इस्लाम का अजर, क्योंकि अन्नास वाला दीनी मुलूकी। फइन तवल्लैता, और अगर तू एराज करेगा तो फिर तेरे इस्लाम कबूल ना करने का वबाल तुझ पर होगा ही होगा। फइन्ना अलैका इस्मल आरिसीन, इन देहकानों और किसानों के इस्लाम कबूल ना करने का वबाल और गुनाह भी तुझ पर होगा, क्योंकि अन्नास वाला दीनी मुलूकी। तो बिल्कुल इसी तरह ये दिल बादशाह है इस रियासत का, अगर ये संवर गया तो सारी की सारी रियाया सर से पांव तक संवर जाएगी, ये बिगड़ गया तो सारी बिगड़ जाएगी। ये कैसे संवरेगा? इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक जिक्रुल्लाह की कसरत, नंबर दो अहलुल्लाह की सोहबत। अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र के लिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ अहले ईमान अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अल्लाह का जिक्र करना भी वाजिब और उसकी कसरत भी वाजिब, क्योंकि इंदल अहनाफ अमर वजूब के लिए आता है। फिर याद रखिए, अल्लाह ने जिक्र की कसरत हासिल करना आसान करने के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाई। अक्सर इबादात जो वाजिब हैं वो मुवक्कत है, उनके साथ शर्तें हैं, फलाने वक्त में करनी है, बावजू हो के करनी है, और बहुत सारी शराइत है। नमाज वक्त से पहले नहीं, मकदार से ज्यादा नहीं, बेवजू होने की हालत में नहीं, लेकिन जिक्रुल्लाह की कसरत को आसान करने के लिए न वक्त की कैद, न तादाद की कैद, न वजू की कैद, ताकि हर कोई जिक्रुल्लाह की कसरत हासिल करे। और दिल की सफाई का ताल्लुक जिक्रुल्लाह के साथ है, ये पालश है इंसानी कुलूब की, और इसके जरिए इंसान का दिल चमकना शुरू हो जाए, और जब इंसान का दिल दुरुस्त हो गया तो इंसान खुद ब खुद संवर जाए। और इंसानों के मजमुआ को मुआशरा कहते हैं, तो मुआशरा की इसलाह की बुनियाद भी यही है। एक नुस्खा जिक्रुल्लाह की कसरत, नंबर दो अहलुल्लाह की सोहबत। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ अहले ईमान अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन, गोया तकवा हासिल करने का तरीका बता दिया, कूनू मअस्सादिकीन ऐ मअस्सालिहीन, सालिहीन के साथ हो जाओ, अहलुल्लाह के साथ हो जाओ, उनकी माइयत इख्तियार करो, उनकी सोहबत से फायदा उठाओ। यहां से एक नुक्ता ये समझ में आता है कि जब तक ये कायनाते इंसानी मौजूद रहेगी, इसमें अहलुल्लाह मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुरान हमेशा के लिए है। और अल्लाह ने फरमाया, कूनू मअस्सादिकीन, सादिकीन यानी सालेहीन के साथ, अहलुल्लाह के साथ हो जाओ, तो अहलुल्लाह भी हमेशा रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस्सु वल-जलीसुस्सालिहु खैरुम मिन अल-वहदा, खलवत और तन्हाई बुरे साथी से बेहतर है। अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस्सु वल-जलीसुस्सालिहु खैरुम मिन अल-वहदा, और अच्छा साथी ये खलवत और तन्हाई से बेहतर है, इसलिए कि उसकी सोहबत से सिफात मुंतकिल होती है, उसकी सोहबत से औसाफ मुंतकिल होते हैं, और सोहबत इंसान के बनने और बिगड़ने में बड़ा किरदार अदा करती है। गालिबन शेख सादी रहीमहुल्ला ने फरमाया, सोहबत साले तोरा साले कुनन, ताले तोरा ताले कुनन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोहबत बुरा बनाएगी। मुशाहदा ये है, बड़े बड़े चोर और डाकू, बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला अफराद
जब अहलुल्लाह के पास आते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी बदल देता है और वो सालेहियत के रास्ते पे चल निकलते हैं। और बड़े बड़े शरीफ उत्तबा शरीफ उन्नफ्स लोग जब बुरी मजलिस में बैठते हैं वो बुराई के आदि हो जाते हैं। माँ के पेट से जब इंसान बाहर आता है उसे नशे की इल्लत नहीं होती, उसे जुए का चस्का नहीं होता। ये कहाँ से पैदा होता है? जब वो बुरी सोसाइटी और बुरे दोस्त अपनाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें उसमें सिरायत कर जाती हैं। इसलिए अहलुल्लाह की सोहबत इंसान के बनने और सवरने में अहम किरदार अदा करती है। फरमाया फला तकूत बाद जिक्रा माल कौम जालिमीन, बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठो। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए, दावत और तबलीग के लिए, फरीजा दावत और तबलीग की अदायगी के लिए भले इंसान जाए लेकिन वहां अपनी तस्कीन के लिए और अपनी राहत के लिए कभी ना बैठे, क्योंकि सिफात मुंतकिल हो जाएगी और इसकी तबीयत और मिजाज में, इसकी शख्सियत और जात में जो बेहतरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बुरी सोहबत के असरात बुरे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स किसी भट्टी वाले के पास बैठ जाए। भट्टी वाले के पास जब बैठेगा तो इसका कम से कम नुकसान ये होगा कि धुआं उसे तंग करेगा। जब ये नुकसान बढ़ेगा तो फिर कोई चिंगारी उठकर इसके कपड़े को स्याह कर सकती है। जब इससे भी नुकसान बढ़ेगा वो जला भी सकती है। ये बुरी सोहबत का नुकसान है। और अच्छी सोहबत के फवायद क्या है? अच्छी सोहबत की बरकात क्या है? बहुत सारी है। इसकी बरकात इंसान का अकीदा दुरुस्त होगा, अमल दुरुस्त होगा, नूरानियत और रूहानियत पैदा होगी। सोहबत इंसान को बदल देगी और सोहबत के नताएज दुनिया ने तस्लीम किए हैं। सोहबत की बरकात पे एक दो वाकयात जिक्र करके मैं अपनी बात को इख्तिताम की जाने बढ़ाना चाहता हूँ। सोहबत इंसान में असर कैसे करती है? इसकी बरकत कैसे जाहिर होगी? आप गोबर को सामने रखिए। गोबर की चंद सिफात है। नंबर एक, बदबूदार होता है। नंबर दो, स्याह होता है। नंबर तीन, नापाक होता है। फुकहा ने उसे नजासत गलीजा में शुमार किया है। लेकिन जब वो आग में डाला जाता है चंद लम्हों के लिए, उसे आग की सोहबत मुयस्सर आती है। अब उसमें तब्दीली देखिए। पहले वो नापाक था, अब वो नापाक नहीं रहा, अब वो पाक हो चुका है। अगर गोबर को कोई हाथ लगाए तो गोबर नजस है। जब वो आग में आए और आग की सोहबत में रहे फिर उसकी राख को कोई हाथ लगाए तो वो राख नजस नहीं है। गोबर बदबूदार होता है। थोड़ी देर के लिए आग में रहे तो उसकी बदबू खत्म हो जाती है। गोबर काला होता है। जब वो आग में रख दिया जाए तो फिर वो सुर्ख हो जाता है। और जब वो आग में हो उस वक्त उससे कोई पूछे कि तू क्या है, वो ये नहीं कहेगा मैं गोबर हूं, वो ये कहेगा मैं आग। वो आग लगता है। बिल्कुल इसी तरह तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह पर अमल करते हुए जो औलिया अल्लाह फना के दर्जे तक पहुंचे, जब उनसे पूछा गया आप कौन हैं, उन्होंने कह दिया अनल हक। ये इसी तनासुर में था। इस पर उलमा को बड़े बड़े इश्कालात पैदा हुए। जबकि तसव्वुफ के इल्म की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर इश्काल पैदा हो। तो बहरहाल सोहबत के बड़े असरात हैं। एक मिसाल मैं और जिक्र करता हूँ। प्याज को आप ले लीजिए, प्याज बदबूदार है। आप उसे हाथ में लेंगे बदबू आएगी, छुरी से काटेंगे तो छुरी में बदबू आएगी। लेकिन इसी को आप घी में रखें और आग का तड़का लगाएं, जब ये प्याज घी की सोहबत में रहे और आग का तड़का लगे, न सिर्फ ये कि इसकी बदबू खत्म हो जाएगी बल्कि ऐसी खुशबू पैदा होगी कि हंडिया खुशबू से मुअत्तर होगी, किचन खुशबू से मुअत्तर होगा, घर खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान प्याज की तरह है। इसमें आमाले सैया की बदबू है। जब ये अहलुल्लाह की सोहबत में आता है और फिर अल्लाह की ज़र्ब और जिक्र इलाही का तड़का लगता है तो फिर इसमें खुशबू पैदा होती है और उस खुशबू से मुआशरा मुअत्तर हो जाता है। एक तीसरी मिसाल जिक्र करना चाहूंगा। लोहे को आप ले लीजिए। लोहे की तीन सिफात है। नंबर एक, स्याह होता है।
नंबर दो सख्त होता है, नंबर तीन ठंडा होता है, उसको आप आग में डाल दीजिए। जब लोहे को आप आग में डालेंगे, आग की सोहबत में रहेगा, सबसे पहले उसकी स्याही खत्म, वो सुर्ख हो जाएगा। नंबर दो उसकी सख्ती खत्म, वो नरम हो जाएगा। उससे आप जो बनाना चाहे वो इनकार नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा, आपके आगे अड़ेगा नहीं, वैसे ही नरम होके उसी सीमत में चलना शुरू हो जाएगा। नंबर तीन ठंडा होता है, जब उसे आग के साथ आप रखे, आग की सोहबत में रखे, वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान लोहे की तरह है, जब ये अहलुल्लाह की सोहबत में आता है, आमाले सय्यिआ की जो नजासत है, जो बातनी नजासतें हैं, वो खत्म हो जाती है और इसके तज़किया के जरिए इसमें पाकीज़गी आ जाती है। नंबर दो, इसमें जो नेकी के जज्बात ठंडे पड़ गए थे, उन जज्बात में हरारत आ जाती है, वो जज्बात बुलंद होते हैं। नंबर तीन, इसके कल्ब पे जो स्याही चढ़ गई थी, वो आमाले सय्यिआ की वजह से, अहलुल्लाह की सोहबत की बरकत से, वो स्याही उतरना शुरू हो जाती है और इसका दिल लोहे की तरह रोशन हो जाता है, चमकने लग जाता है। ये अच्छी सोहबत के असरात हैं। तो अर्ज मैंने ये किया, मुआशरे की इसलाह का दारो मदार अफराद की सलाह पे है, और अफराद की सलाह का दारो मदार इंसान के दिल पर है। इसलिए कि ये जो रियासत है, सर से लेकर पांव तक इस रियासत का बादशाह दिल है। अगर ये समर गया तो एक एक उज्व समर जाएगा, क्योंकि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, और अगर ये बिगड़ गया तो सारे आजा बिगड़ जाएंगे। इसलिए कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, सवाल ये है इसकी इसलाह कैसे होगी। इसके लिए दो तरीके सूफिया ने तजवीज किए, नंबर एक जिक्रुल्लाह की कसरत, नंबर दो अहलुल्लाह की सोहबत। अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करना ये हम सब के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इल्म उलमा से मिलता है, अमल सूफिया से मिलता है। शरीयत भी अल्लाह ने हमारे लिए भेजी, तरीकत भी अल्लाह ने हमारे लिए भेजी, और जब तक ये दोनों ना हो, इनकी वजह से इल्म और अमल जमा होते हैं। अगर ये दोनों नहीं तो इल्म होगा, अमल शायद उस तरह ना हो जिस तरह होना चाहिए, और जब इल्म और अमल जमा ना हो इंसान कामिल नहीं होता। तो इंसान के कामिल होने के लिए इल्म के साथ इल्म पे अमल जरूरी है, और इल्म उलमा से आता है, अमल सूफिया से आता है। इसलिए अहलुल्लाह की सोहबत जरूरी है। इसकी एक वजह और भी है, वो ये कि जैसे जाहिरी नजासतों से पाक होना जरूरी है, वैसे ही बातनी निजासतों से पाक होना भी जरूरी है। जैसे जाहिरी और जिस्मानी अमराज से पाक होना जरूरी है, वैसे ही बातनी और रूहानी अमराज से सेहतियाबी भी जरूरी है, और इसके लिए अहलुल्लाह की सोहबत नागुजीर है। क्यों? इसलिए कि ये बातनी अमराज के माहिर होते हैं, उनके इलाज के माहिर होते हैं, बातनी अमराज से वाकिफ उनके इलाज के माहिर हैं। ये कंट्रोलर की तरह होते हैं, इंसान को कंट्रोल करते हैं। याद रखिए, वसूल इलल्लाह, कुर्बत इलल्लाह के अगरचे बहुत सारे तरीके हैं, फराइज़ो वाजिबात की अदायगी के साथ इंसान तिलावत की कसरत के जरिए, दुरूद की कसरत के जरिए, जिक्र की कसरत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। मगर याद रखिए, वसूल इलल्लाह और कुर्बत इलाही का रास्ता बड़ा दुश्वार और मुश्किल है। इसमें नफ्स और शैतान कदम कदम पे फिसलाने की कोशिश करते हैं। तो एक मुहाफिज की जरूरत है, एक निगरान की जरूरत है, एक उस्ताज की जरूरत है, और उस निगरान कंट्रोलर और उस्ताज को ही शेख कहते हैं, उसी को शेख कहते हैं। अहलुल्लाह की सोहबत जरूरी क्यों है? इसकी एक वजह और जिक्र करता हूं, वो ये, अहलुल्लाह की सोहबत के बगैर इंसान मकामाते आलिया और बातनी कमालात को हासिल नहीं कर सकता। हैवानों के कमालात तो पैदाइशी है, खुद ब खुद आ जाते हैं। जानवर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, किसी एकेडमी में जाके तैरना नहीं सीखता, खुद ब खुद आ जाता है। किसी स्कूल और कॉलेज में दाखिला लेकर शिकार करना नहीं सीखता, खुद ब खुद आ जाता है। उनके कमालात मौरूसी है, पैदाइशी है, मगर इंसान के कस्बी है। जाहिरी कमालात भी, बातनी कमालात भी।
इसे ज़ाहिरी कमालात सीखने के लिए भी किसी उस्ताद के पास जाना पड़ता है। दो चीजों की जरूरत होती है, नंबर एक उस्ताद, नंबर दो हम जिनसों की माइयत। जब तक ये ना हो जाहिरी कमालात नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह बातनी कमालात और मकामाते आलिया को हासिल करने के लिए भी जरूरत है हम जिनसों की माइयत और अहलुल्लाह की सोहबत की, वगरना कमालात की तकमील तो दरकिनार सिरे से तहसील भी नहीं होती। तो अहलुल्लाह की सोहबत ये दूसरी चीज है इस्लाह कल्ब के लिए। और जब इंसान का दिल संवर गया तो आजा जिस्म बदन खुद ब खुद संवर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व इन फिल जसद मुज़गतन, सुन लो इंसान के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है। हैसियत उसकी क्या है? इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लू, जब वो संवर जाता है पूरे का पूरा बदन संवर जाता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू, जब वो बिगड़ जाता है पूरा इंसान बिगड़ जाता है। अला वही अल कल्ब, सुन लो वो दिल है, इसकी निगरानी की बड़ी सख्त जरूरत है। एक बात यहां और अर्ज करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सूरज की सी है। हुजूर की जाते गिरामी सूरज है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदा व मुबशिरा व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। और शेख की मिसाल शीशे की सी होती है और मुरीद की मिसाल उस बंद कमरे की सी होती है कि जिसका मशरिक़ की जानिब एक दरवाजा हो और उसमें और कोई रोशनदान ना हो। अब सूरज की रोशनी जब उस बंद कमरे में पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाते हैं? सूरज के सामने आईना किया जाता है और उस आईने के जरिए सूरज की रोशनी कमरे में पहुंचाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह हुजूर की मिसाल सूरज की सी है, शेख की मिसाल आईना की सी है और मुरीदों की मिसाल हमारी मिसाल उस बंद कमरे की सी है कि जिसका मशरिक़ की जानिब एक दरवाजा है और उसके अलावा कोई खिड़की रोशनदान नहीं है। अब अगर सूरज की रोशनी कमरे में पहुंचाना हो तो सामने शीशा, शीशे के जरिए रोशनी कमरे में आती है। अगर नबुव्वत का फैजान बंदे ने हासिल करना हो तो वो शीशा शेख है, उसके जरिए नबुव्वत का फैजान हासिल कर सकता है। लेकिन याद रखिए इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, नंबर एक शीशा साफ हो, नंबर दो कमरे का दरवाजा खुला हो। शीशे के साफ होने का मतलब ये शेख कामिल हो और कमरे के दरवाजा खुले होने का मतलब ये मुरीद मुरीद की तलब सादिक, मुरीद की तलब सादिक हो तो फिर इंसान अपने मकसूद और अपने मतलूब तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत उस्ताजिल मुकर्रम दामत बरकातहुमुल आलिया की जो हफ्तावार इस्लाही मजालिस होती हैं, जो दुरूस का सिलसिला है, हमें चाहिए हम इसे गनीमत समझें और जहां तक मुमकिन हो सके इसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको अहले हक के साथ जोड़े रखे और इनकी निस्बत अल्लाह ताला हमारे मुआशरे के मुनव्वर होने का सबब बनाए। हमें दुनिया में जैसे इनके साथ रखा है अल्लाह आखिरत में भी हमें इनके साथ रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।